नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल मुस्कान फिल्म्स, और के अंदर जो रीट के एग्जाम होने वाले कल, उनके लिए राजस्थान मुस्लिम युवा संगठन के पदाधिकारी व लाडनू नगरपालिका के चेयरमैन व उप चेयरमैन यहाँ मौजूद है और उनके द्वारा यहाँ पर व्यवस्था की गई है। तो आइए जानते हैं हम उनसे किस प्रकार की व्यवस्था की गई है और यहाँ जो एग्ज़ाम देने पहुँचे हैं लड़के और लड़कियाँ, उनसे भी आपको रूबरू कराते हैं कि ये रीट क्या है। कुछ लोगों के क्वेश्चन आते हैं हमारे पास कि रीट क्या अभी और इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए रीट के एग्ज़ाम देने के लिए। तो चेयरमैन साहब, आपने पे जो लोग आए हैं रेट के एग्जाम देने के लिए, आज उनके लिए व्यवस्था की है, किस प्रकार की व्यवस्था है? व्यवस्था बहुत अच्छी की है। जो बाहर से रेट की जो एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं, हमारा जो राजस्थान मुस्लिम युवा संगठन है उनकी देख रेख में ये पूरा काम हो रहा है, और जहाँ से राजस्थान के बाहर से भी लोग आए हैं, यहाँ से यहाँ जो राजस्थान के अंदर है, दूर दूर से आए हैं लोग, उनकी पूरी व्यवस्था की है, सोने की, खाने पीने की, और जो सेंटर है जहाँ भी वो ले जाएंगे गाड़ियों से और वापस लाएंगे, सेंटर तक लाने ले जाने की व्यवस्था आप लोगों की है? हमारे संगठन ने की है पूरी व्यवस्था, और कोई भी समस्या है तो हमने इनको बोल दिया कि हमें बताएं, और कोई भी दिक्कत नहीं आई। तो ये थे लाडनू नगरपालिका के चेयरमैन साहब, और जो राजस्थान मुस्लिम युवा संगठन के अध्यक्ष हैं उनसे बात करते हैं हम। उन्होंने भी यहाँ पे जो अपनी प्रक्रिया बनाई है किस प्रकार से संगठन के साथ, सर बताइए। सर, राजस्थान मुस्लिम संगठन के पदाधिकारियों ने कुछ देर पहले आपस में मशवरा किया कि जो रीट की एग्ज़ाम देने के लिए आ रहे बाहर से, उनके रहने खाने पीने की सब व्यवस्था की जाए। तो फिर आपस में हमने मशवरा करके चेयरमैन साहब का सहयोग लेके ये व्यवस्था की है। रहने और खाने पीने के साथ साथ हम लोगों ने यह भी व्यवस्था की है कि सेंटर तक पहुँचाएँगे और सेंटर से लेकर भी आएँगे। बहुत बढ़िया बात है, सेंटर तक पहुँचाना इन्हीं लोगों का जिम्मा है। कोई एग्ज़ाम देने आए वो एक भाई बता दे कि रीट के बारे में थोड़ा सा, भैया रीट के एग्ज़ाम है उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बता दीजिए आप। बेसिकली जो रीट होती है ये DLED डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और जो BEd धारी जो स्टूडेंट होते हैं कैंडिडेट, उनके आगे जो भविष्य में टीचर बनने के लिए एक आधारभूत यूं कह सो नींव होती है, जिसमें बच्चे जो एलिमेंट्री लेवल के जो टीचर बनते हैं 5वीं तक के, यानी कि जो DLED करते हैं वो L1 के माने जाते हैं और वो 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, और उसके बाद में जो 6 से 8 क्लास के जो बच्चों को पढ़ाते हैं वो BEd करके इसमें शामिल होते हैं। और ये अपने आप में बहुत ही बड़ी एक तरह का आयोजन है, और मैं तो शुक्रिया अदा करूँगा इस आपने जो संगठन जो सेवा करे मुस्लिम राजस्थान संघ है, जिन्होंने मतलब एक मानव धर्म का परिचय दिया है। मैं बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बाड़मेर से पसपदरा से बिलोंग करता हूँ, पाटोदी गाँव से हूँ, तो वहाँ से मैं आया हूँ यहाँ पर मतलब रोडवेज के माध्यम से। और तो ये देख रहे थे आपके जो छात्र एग्ज़ाम देने आए हैं वो बता रहे हैं, इनका धन्यवाद अदा कर रहे हैं। मैं कुछ यहाँ पे स्टूडेंट है जो लड़कियाँ, उनसे पूछना चाहूँगा कि इसके लिए जो रीट की एग्ज़ाम होती है उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? BEd होना चाहिए, DLED भी होना चाहिए। कौन से ग्रेड के टीचर की एग्ज़ाम होती है? फर्स्ट लेवल। तो ये आप देख सकते हैं लड़के और लड़कियां खूब सारी यहाँ पे पहुँचे हैं और सारी व्यवस्था यहाँ